Assalamualaikum, welcome back to my channel Z Food Vlog. जी क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे. तो जी इस व्लॉग में मैं आज आपको बताऊंगी कि सिर्फ 15 मिनट में आप अपनी मॉर्निंग में अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं. तो चलें जी मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जो कि आपको डेली अपने फेस पर अप्लाई करने हैं ताकि आपकी स्किन ग्लो रहे. तो जी पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होता है वो है जी क्लिंजिंग. तो क्लिंजिंग आपने करनी है एलोवेरा जेल से. एलोवेरा जेल आप फ्रेश भी ले सकते हैं और अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप जो है मार्केट वाला एलोवेरा जेल बॉटल्स वाला जो होता है किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल. उसके साथ जी आपने अपने फेस पर क्लिंजिंग करनी है. क्लिंजिंग आपने जस्ट 5 मिनट के लिए आपने अपने फेस पर इसको रब करना है. आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि एलोवेरा जेल के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. सो जी आपने अपने फेस पर करनी है इससे स्क्रबिंग. राउंड अबाउट 5 मिनट तक आपने अपने इसको फेस पर रब करना है. इससे जो है आपके फेस पर जितने भी एक्नी स्कार्स हैं या एक्नी हैं या पिगमेंटेशंस हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइन करेगी. सो जब भी आपने क्लिंजिंग इसकी कर लेनी है तो उसके बाद आपने लेना है रॉ मिल्क. सो ये मेरे पास 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क है. आपने एक कॉटन पैड लेना है, उसको इसमें डिप करना है, रॉ मिल्क में डिप करना है. डिप करने के बाद आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है. ये देखें बहुत सॉफ्टली जेंटली आपने इसको क्लीन करना है. इससे आपकी स्किन के जितना भी ऑयल है और जितने भी जर्म्स वगैरह हैं, जितनी भी डेड स्किन है वो सारी रिमूव हो जाएगी. आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइक बेबी स्किन हो जाएगी. सो आप ये विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं. जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद फील होगा. तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग. तो स्क्रबिंग के लिए मैंने एक सिंपल बाउल लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून मैं राइस फ्लावर ऐड करूँगी. राइस फ्लावर पे मेरी बहुत सी डिफरेंट और भी वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं. तो ये जी मैंने 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर लिया है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून या जितना भी आपको रिक्वायर हो आपने उतना एलोवेरा जेल ऐड करना है. अगर आपके पास फ्रेश है तो आपने फ्रेश को लेकर इस तरह आपने अपने फेस पर स्क्रबिंग करनी है. अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो इसी में आपने एलोवेरा जेल ऐड करके अपने फेस पर लगाकर 3 से 4 मिनट तक आपने अपने फेस पर कंटिन्यूसली स्क्रबिंग करनी है. स्क्रबिंग करने के बाद आपने ये वॉश कर लेना है. तो आप अपनी स्किन चेक करेंगे सो स्मूथ. तो चलें जी हमारा लास्ट स्टेप है वो है फेस मास्क. तो जी फेस मास्क हम बनाएंगे टोमेटो जूस के साथ. मेरे पास 1 टेबलस्पून टोमेटो जूस है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून टोमेटो जूस ऐड किया है. अच्छा मैं आपको इसके 2 तरीके बता देती हूँ. अगर आपके पास एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट टोमेटो लें, उसको पीसीज यानी कि उसके स्लाइसेस में उसको लें और शुगर लें और आप टोमेटो को शुगर में डिप करके उसके साथ भी आप अपना मसाज कर सकते हैं. बट यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअली मास्क बनाना है तो इसीलिए मैंने इसका ये पेस्ट लिया है और एलोवेरा जेल लिया है. ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है, उसको मैंने फोक के साथ अच्छे तरीके से मैश करके निकाला है. तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ब्लेंड करूँगी इसको मैं अच्छे से. तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल फ्रेश नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो ये जी देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है. अब इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी. आपने इसको जेंटली अपने फेस पर इस मास्क को अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट वेट करना है. जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो आपने
फ्रेश पानी के साथ जो है अपना फेस वॉश कर लेना है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।